नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चार इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आप देखिएगा वीडियो, स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट क्या होगा हमारा, इसके बाद मैं यहां पर बात कर रहा हूँ प्रॉक्सीमिटी इफेक्ट क्या होगा। प्रॉक्सीमिटी इफेक्ट की अगर बात करूँ मैं, इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बाद आपका हो जाता है। देखिए दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट हो गया आपका, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, इसी के साथ साथ एक होता है आपका फेरेंटी इफेक्ट, आपका होता है फेरेंटी इफेक्ट। तो हम लोग फेरेंटी इफेक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोरोना के बारे में कि आपका ये कोरोना होता क्या है, कोरोना लॉसेस या कोरोना हमारा है क्या। तो दोस्तों ये चार ऐसे पार्ट हैं जो पावर सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी पावर सिस्टम आता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जिस एग्जाम में भी आपको पावर सिस्टम से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको ये टॉपिक मिलेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों सभी ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि स्किन इफेक्ट आपका क्या होता है, तो आप बहुत केयर करिएगा, इसे समझिएगा। देखिए अगर मैं बात कर रहा, अगर मैं एक कंडक्टर ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने एक कंडक्टर नॉर्मल यहाँ पे ले लिया है ना, तो इसके इफेक्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों इस कंडक्टर में हम लोग एसी भी दे सकते हैं या डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं आप, डीसी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट थ्रो विच इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन डीसी इज पासिंग थ्रो इट, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है और हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है थ्रू विच इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन डीसी इज पासिंग थ्रू इट, यानी कि अगर आप डीसी सप्लाई इसमें देते हैं तो डीसी देने पर कैसा होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डीसी देने पर। लेकिन अगर आप एसी देते हैं दोस्तों, तो अगर एसी देते हैं स्किन इफेक्ट के, तो ये क्या होगा, स्किन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है क्या, कंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही आप अगर एसी देते हैं तो अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था दोस्तों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कंडक्टर में एक समान करंट फ्लो होता है, लेकिन जब आप एसी देते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो सरफेस होगा है ना, जो सरफेस होगा, अगर हम बात करें ऊपर वाला जो भाग होगा तो वो सेंटर के पिक्चर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, इसमें बोल सकता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट होगा वो आपका सरफेस पर ज्यादा होगा कंपेरिजन टू सेंटर, ठीक है ना। तो अगर इसका ये जो सरफेस दिया गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि यहां पर जो है करंट का, करंट कैसा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज्यादा है, इट इज हायर। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर ये दिया, यहां पे कैसा है आपका, लो है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज हायर एट सरफेस एंड लोअर एट सेंटर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्किन इफेक्ट। अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा, तो स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी कंडक्टर पर, क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों स्किन इफेक्ट का एक नॉर्मल सा ये प्रभाव पड़ेगा कि तो यहाँ पर स्किन इफेक्ट के कारण से आपका, अगर आपका स्किन इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि करंट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ओवरऑल जो सरफेस है उसका करंट ज़्यादा है, तो इस केस में ऐसा बोल सकते हैं अगर स्किन इफेक्ट कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो इसमें फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा तो कंडक्टर का जो डायामीटर ये जो है ये भी कैसा हो जाएगा,
इंक्रीज होगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, और डायमीटर बढ़ने पर इसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो फ्रिक्वेंसी, परमेबिलिटी और डायमीटर, ये तीनों बढ़ जाएंगे स्किन इफेक्ट के बढ़ने से। तो स्किन इफेक्ट के द्वारा क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी और डायमीटर बढ़ेगा। दोस्तों इस कंसेप्ट को आप याद रख लीजिए, ये जो डायमीटर दिया है ना, ये आपका इंक्रीज होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी स्किन इफेक्ट के कारण से। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, जैसे आपके यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर हैं जो कि लगे हुए हैं साथ साथ में, ठीक है ना। अब ये जो कंडक्टर आपका एक पर्टिकुलर रेंज में है, ठीक है, अब ये बिल्कुल पैरेलल में चल रहे हैं, तो इसका इस पर एक इफेक्ट पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर प्रभाव डालेंगे, जिसके द्वारा इसमें एक अपरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, अपरेंट रेजिस्टेंस, यानी कि पहले ही कंडक्टर की तरह काम कर रहा था, बहुत अच्छा करंट फ्लो हो रहा था इसमें भी, लेकिन जब दोनों पैरेलल आ गए तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो गई, हम ऐसा बोल सकते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सी मतलब आप समझते हो एक दूसरे का इफेक्ट पड़ जाना, ठीक है ना। तो एक दूसरे को, तो इसमें क्या है, जो करंट फ्लो होता था वो जो करंट फ्लो था उसके कारण से करंट कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो करंट ऐसा बोल सकते हैं, करंट इसमें क्या होता है, करंट डिक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पड़ रहा है एक दूसरे पे कंडक्टर पर, ठीक है। तो ये आपको बेसिक था प्रॉक्सिमिटी। और इसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में फ्रिक्वेंसी, या फिर अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर दोनों के डिस्टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में जितने दूर ये कंडक्टर रहेंगे तो ये इफेक्ट कम होगा, अगर ये पास आ गए तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के द्वारा साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। तो दो कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी है, ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इस पर निर्भर करता है, या इस कंडक्टर का साइज कितना है। आप इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल याद रखें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फेरेंटी इफेक्ट। दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट कुछ नहीं, एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब आप एक लॉन्ग लाइन कनेक्शन की बात करते हैं, लॉन्ग लाइन कनेक्शन मतलब आपका एक कंडक्टर ही है, ठीक है, ये वायरिंग कनेक्शन है, वायर है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वायर। तो इस केस में अगर हम लॉन्ग लाइन की बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग लाइन कंडक्टर है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग लाइन कंडक्टर है। तो अगर हम बात करें एट नो लोड, नो लोड, या हम बात करें लाइट लोड, देखिए दो कंडीशन है, एक तो है नो लोड, एक लाइट लोड। तो नो लोड की बात करें चाहे लाइट लोड की बात करेंगे, ये जो रिसीविंग एंड होता है ना, रिसीविंग एंड, इसे हम लोग बोलते हैं रिसीविंग एंड, और इस वाले को बोलते हैं सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड। तो रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज होगा ये ग्रेटर होगा किससे, सेंडिंग एंड से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वोल्टेज एट रिसीविंग एंड इज ग्रेटर देन द वोल्टेज एट सेंडिंग एंड। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार का इफेक्ट क्या होगा, आपका फेरेंटी इफेक्ट होगा। क्लियर है। नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड। नाउ फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्किन इफेक्ट, सेकंड इज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, थर्ड इज फेरेंटी इफेक्ट, एंड द फोर्थ इज कोरोना लॉस। अब ये कोरोना लॉस क्या होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोरोना की बात करें तो ये भी कंडक्टर से रिलेटेड है कि एक नॉर्मल आपका कंडक्टर है जिसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ये आपका क्या है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब ये जो एक वायर है ये एयर के सराउंड में है, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका एयर होगी, चारों तरफ इसके एयर है और ये सारा मौसम झेल रहा है, सारे वेदर को झेल रहा है। इसमें सारे वेदर आपके कौन कौन से आ गए, इसमें समर है, विंटर है, ठीक है, इसके अलावा आपका रेनिंग डेज हैं, रेनिंग डेज हैं, और भी जो भी पतझड़ का मौसम है, ये सारा ये वायर झेल रहा है। तो जब बरसात होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होगा, ठीक है, जब हम समर की बात करेंगे तो ये टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, विंटर की बात करेंगे तो टाइटली बाउंड होंगे, समर की बात करेंगे तो ये थोड़े लूज होंगे, तो इन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो चारों तरफ एयर है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो कोरोना क्या है, कोरोना इज द फिनोमेना ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ एयर
सराउंडिंग द पावर कंडक्टर, पावर कंडक्टर फॉर ईएचवी लाइन। तो अगर ईएचवी लाइन की बात कर रहे हैं तो ईएचवी लाइन में जो एयर आयोनाइज्ड हो रही है ना, तो इसके कारण से कोरोना क्रिएट हो रहा है। अब ये कोरोना है क्या, अगर ये ईएचवी लाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा जो ईएचवी लाइन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। आपको इसको याद रखना है बिल्कुल, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 3×10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और एयर से टकरा रही है, जब एयर से टकराएगी तो ये तार जो है, ये जो ट्रांसमिशन वायर जो है ये आपका कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होता, द एयर इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ कंडक्टर सो नो रिमेन डाइलेक्ट्रिक बट इट इज आयोनाइज्ड एंड कोरोना आकर, ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये अब कोरोना लॉस क्या है, अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना लॉस, तो जब भी एयर इससे स्ट्राइक कर रही है इसमें 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर का इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें सप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो चल रही है इसके अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब एयर इससे स्ट्राइक करेगी तो जिसका लूजली बाउंड पाथ होता है, लूजली बाउंड जो पार्ट होगा, यानी कि जो कमजोर पार्ट होगा, वहां से ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि इसमें स्पार्किंग क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी दोस्तों, स्पार्किंग, और स्पार्किंग किसकी क्रिएट, किसके कारण से क्रिएट होगी, क्योंकि ये लूज होगा तो वहां से एक ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस निकलेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोरोना लॉस से कौन सी गैस निकलती है, ओजोन गैस निकलती है, ठीक है। क्यों निकलती है, क्योंकि लूजली बाउंड हो जाता है, स्पार्किंग क्रिएट होती है और ये ब्रेक हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जैसे इस पे हाई वोल्टेज अगर यहां से निकलेगा इस ट्रांसमिशन लाइन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, अगर उस स्ट्रेंथ से अगर ये ज्यादा हो जाए, उस स्ट्रेंथ से अगर ये ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, तो मैंने यही बताया आपका, एक नॉर्मल वायर कनेक्शन है, एयर इससे स्ट्राइक करेगी, इसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई में 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर की दर से चल रहा है, ठीक है। और जैसे इसमें एयर स्ट्राइक करती है तो इसमें जो कमजोर वाला पार्ट होता है उसमें कोरोना क्रिएट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्रिएट स्पार्किंग क्रिएट होती है, और स्पार्किंग के समय कौन सा कलर इससे निकलता है, तो आप याद रखिएगा वायलेट ग्लो, ये वायलेट, हल्का सा वायलेट कलर ग्लो करता है, ठीक है। और कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, एक हिसिंग साउंड आपका प्रोड्यूस हो जाता है, हिसिंग साउंड। तो ये क्वेश्चन बनता है, अब उसको देख लीजिए बहुत अच्छे से, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और स्पार्किंग हो जाएगी, वायलेट कलर की गैस निकलेगी, इससे ओजोन गैस का निर्माण हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, इसको ही हम कोरोना लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चार टॉपिक को पढ़ा, कौन कौन से इफेक्ट पढ़ लिए, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट और कोरोना लॉस। इन चारों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, UPPCL 2019 में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली, क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना शेयर हो पाए करिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों को उसका फायदा मिल पाए। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।